इस बुलेटिन की शुरुआत तीन बड़ी खबरों के साथ, जिसका ऐलान कैबिनेट में हुआ है। देश के एयरपोर्ट्स की दशा सुधारने के लिए कैबिनेट ने एक बड़ा प्लान बनाया है, ये आज की पहली बड़ी खबर है जो कैबिनेट ने जिसमें ऐलान किया है। दूसरी क्या खबर है, गन्ना किसानों का सालों से अटका बकाया उन्हें मिल जाएगा। सरकार ने गन्ना किसानों के लिए सब्सिडी का ऐलान किया है, तो इससे चीनी मिलों और गन्ना किसानों को राहत मिलेगी। तीसरी बड़ी खबर है बुजुर्गों को तोहफा देने की तैयारी, क्या खुशखबरी है ये आगे बुलेटिन में हम आपको विस्तार से अब बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कैबिनेट में जो अहम फैसला हुआ है उसकी सबसे पहली खबर आपको हम अब दिखाने जा रहे हैं, वो ये कि देश के एयरपोर्ट्स की शक्ल सूरत सुधारने और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उन्हें देने के लिए सरकार ने बड़ी योजना का ऐलान कर लिया है। और इसके तहत सबसे पहले तीन एयरपोर्ट्स को चुना गया है जिनका अपग्रेडेशन किया जाएगा। कौन से तीन एयरपोर्ट्स हैं वो सुनिए, लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी एयरपोर्ट, जिस पर सरकार 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हालांकि सरकार ने देश के दूसरे एयरपोर्ट्स को भी अपग्रेड करने का प्लान बनाया है, जिसके लिए 21,000 करोड़ का फंड रखा गया है। विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने एयरपोर्ट सुधार के फैसलों का स्वागत किया, उम्मीद उन्होंने जताई कि एयरलाइंस इंडस्ट्री तेजी से तरक्की करेगी। हैप्पी दैट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड थ्री मेजर प्रोग्राम्स फॉर मॉडर्नाइजिंग, अपग्रेडिंग सर्विसेज, बिल्डिंग न्यू टर्मिनल्स और अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स इन चेन्नई, इन लखनऊ एंड इन गुवाहाटी। One is north, one is south, one is in the northeast. All told, the investment will be upward of 6,000 crores, which will provide absolutely top-class experience to the passengers transiting from these airports. We must, to keep up with the growth, we must have better facilities at the airports. If the airports do not grow as fast as the aviation sector is growing, we'll have a big challenge. Therefore, this is a right step in the right direction. I really thank the Prime Minister for sanctioning this. Thank you very much. तीन एयरपोर्ट्स को कैबिनेट कमेटी ने ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने बहुत ही अप्रूव किया है, जिसमें हमने लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी एयरपोर्ट को बिल्कुल उसको अपग्रेड कर करके बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के लिए फैसला किया है, जिसमें चेन्नई के लिए 2,467 करोड़ रुपीज, 2,467 करोड़ फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द चेन्नई एयरपोर्ट एंड द आइडिया इज टू ब्रिंग इट टू द GRIHA-4-star रेटिंग। तो तीनों एयरपोर्ट्स के सुधार में 5,000 करोड़ रुपए माफ कीजिए खर्च होंगे और उसका खाका भी तैयार कर लिया गया है। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी मेरे साथ इस वक्त और जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मतलब काफी एयरपोर्ट्स की शक्ल सूरत सुधारने का यहां पर फैसला कर लिया गया है, लेकिन फंडिंग एक बहुत बड़ा सवाल। पहले तीन एयरपोर्ट्स के सुधार के लिए 5,000 करोड़ रुपए और भी जो अपग्रेडेशन बाकी एयरपोर्ट्स का होगा 21,000 करोड़ रुपए का फंड इसके लिए बनाया जाएगा। कैसे फंड आएगा, कैसे इसको जुटाया जाएगा, इस पर क्या खबर है? देखिए, शुरुआत तो सरकार ने कर दी है और सबसे अहम चीज़ ये है कि सरकार ने इन तीन एयरपोर्ट्स के अपग्रेडेशन को लेकर जो पूरा रोडमैप तैयार किया है उससे इस बात को लेकर एक क्लैरिटी आ गई है कि सरकार आने वाले दिनों में जो एक डेडिकेटेड फंड सरकार ने तैयार किया है उसमें किस तरीके से जो बाकी शहर हैं, बाकी जो एयरपोर्ट्स हैं, चाहे पटना हो या फिर Tier 2 cities के या Tier 3 cities में जो एयरपोर्ट्स, छोटे एयरपोर्ट्स हैं जिसकी जो साइज़ है, जिसका जो पैसेंजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो उसकी जो कैपेसिटी है उसको किस तरीके से बढ़ाई जाए, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको ध्यान में रखकर ये पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जितनी ज़मीनें हैं उसका किस तरीके से मोनेटाइजेशन किया जाए, किस तरीके से रेवेन्यू का एक नया मॉडल बने जिससे कि पैसेंजर्स को ज़्यादा सुविधाएँ भी मिलें, इसकी वजह से रेवेन्यू भी बढ़े और ख़ास में उनके आसपास में किस तरीके से कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट स्थापित किए जाए ताकि रेवेन्यू का एक नया मॉडल तैयार हो, उसको लेकर एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि सरकार का विज़न ये है कि एयरपोर्ट्स की संख्या में अगर बढ़ोतरी होती है RCS प्लान के बाद और उसके बाद जो कनेक्टिंग एयरपोर्ट्स हैं अगर उनकी साइज और उनका जो कैपेसिटी है
उसमें बढ़ोतरी होती है तो जाहिर तौर पे पैसेंजर्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी, टूरिस्ट आएंगे उन पूरे इलाकों में, एक डेवलपमेंट का नया मॉडल तैयार होगा और जाहिर तौर पे इसका जो फ़ायदा होगा वो सिर्फ पैसेंजर्स को ही नहीं होगा, आसपास में पूरे इलाके को होगा। वाकई मतलब वर्ल्ड क्लास यहाँ पर सेवा सुविधा देने की कोशिश एयरपोर्ट्स के सुधार के जरिए, और लखनऊ, चेन्नई, गुवाहाटी के अलावा अगरतला, पटना, विजयवाड़ा, पुणे और श्रीनगर एयरपोर्ट्स के कायाकल्प की यहाँ पर तैयारी की जा रही है जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सरकार की तरफ से। फिलहाल जानकारी के लिए प्रकाश आपका बहुत शुक्रिया।